पानीपत मेयर के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आना निसंदेह महत्वपूर्ण घटना है। उस सूरत में जबकि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहा है, ताजुब है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर तो चुनाव प्रचार तक से मना कर चुके हैं। इस दलील के साथ कि निगम चुनाव हाथ के निशान पर लड़े जाने चाहिए थे, तंवर ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लपेटते हुए साफ कर दिया कि हाथ के निशान पर चुनाव न लड़ना पार्टी पर भारी पड़ सकता है। और तो और भूपेंद्र हुड्डा या रणदीप सुरजेवाला भी पानीपत में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, जबकि ऐसा दावा पूर्व में किया गया था। जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, नायब सिंह सैनी, कविता जैन, किशन पवार, महिपाल ढांडा भाजपा के प्रचार में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि स्थानीय स्तर पर भाजपा में जहां रोहिता रेवड़ी व प्रमोद विज भाजपा उम्मीदवारों को पूरा समय दे रहे हैं, वहीं पानीपत में कांग्रेस से एकमात्र बुल्ले शाही स्टार प्रचारक के रूप में छाए हुए हैं। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।